वेलकम टू एशियाज यंग आईएएस। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक से। हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। तो ये रहा, तो हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है? हिस्ट्री, जो हिस्ट्री है उसको लिखना, ग्राफी मतलब लिखना, तो हिस्ट्री लिखना उसके ऊपर है कि हिस्ट्री लिखना कैसे शुरू हुआ, हिस्ट्री कैसे शुरू हुआ वेस्टर्न कंट्रीज में, जैसे कि यूरोप अमेरिका में इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। और फिर सेकंड चैप्टर जो है वो हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। तो हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एम्पिरिकल मेथड जो होता है, एम्पिरिकल मेथड का मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंट्स कर सके, हम लैब में जैसे एक्सपेरिमेंट्स करते, ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन लिखते, जैसे हम साइंस में करते, साइंस वन साइंस टू लैब एक्सपेरिमेंट्स हो गए, तो आपके प्रैक्टिकल्स हो गए, तो वो जो है एम्पिरिकल मेथड होता है। तो ये एम्पिरिकल मेथड हम हिस्ट्री में नहीं लगा सकते। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम लैब एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस कर सके, पर इसके लिए अलग तरीका यूज होता है। हिस्ट्री के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए, एक्सपर्ट्स वो चाहिए जिनको लैंग्वेज, हिस्ट्री की जो चीजें लिखी हुई है, जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, उनका लैंग्वेज समझना चाहिए, उनकी स्क्रिप्ट समझनी चाहिए। स्क्रिप्ट मतलब जैसे हम हिंदी लिखते हैं तो हिंदी की जो स्क्रिप्ट है देवनागरी स्क्रिप्ट कही जाती है, तो इंग्लिश के जो है लेटर्स ABC है, हर लैंग्वेज के गुजराती मराठी, तो हर एक के लैंग्वेज के जो स्क्रिप्ट होती है लेटर्स होते हैं, तो वो स्क्रिप्ट भी समझ में आनी चाहिए कि हम वो पढ़ सके, और भाषा भी समझ में आनी चाहिए कि हम वो समझ सके। तो नोइंग द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इम्पॉर्टेंट है। और हिस्ट्री में जब हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट सामने आते तो उनकी ऑथेंटिसिटी, कि वो सचमुच उस जमाने के पेपर है कि ये कोई फेक है, ऑथेंटिक का ऑपोजिट होता है फेक, तो फेक नहीं है ऑथेंटिक है, उसकी ऑथेंटिसिटी एग्जामिन करने की जिसके पास एक्सपर्टीज हो, हिस्टोरिकल रिसर्च के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो ये हिस्ट्री स्टडी करने के लिए ये चीजें चाहिए, हमको लैंग्वेज पता होनी चाहिए, स्क्रिप्ट पता होनी चाहिए, और ऑथेंटिसिटी समझ में आना चाहिए। तो अलग अलग तरीके हिस्टोरिकल रिसर्च करने के वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि हमको अगर हिस्ट्री लिखनी है, नरेटिव मतलब स्टोरी, हिस्ट्री लिखनी है हमको, तो उसके लिए हमको क्या चाहिएगा कि हम सोर्सेज सारे, इतना सारे सोर्सेज निकाले जहाँ से हम हिस्ट्री लिख पाए, और उनका एग्जामिनेशन करना पड़ेगा कि रेलेवेंट है कि नहीं रेलेवेंट है, कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन, फिर उनके ऊपर हाइपोथेसिस बनाना कि ये सब हम पढ़ के हमको क्या समझ में आता है कि उस टाइम पे कैसा था, तो अपनी हाइपोथेसिस अपनी थ्योरी बनाना, क्वेश्चन पूछ के हम उसको समझना, तो ये सब करके हम हिस्ट्री लिख सकते। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो हिस्ट्री ये मेथड यूज करके करते हैं। अब इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, वो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे है तीन इम्पोर्टेंट वर्ड्स, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स और जीनियोलॉजी। तो इसका मतलब क्या होता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, जैसे कि स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड डैश, और आपको चार ऑप्शन आएगा, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, जीनियोलॉजी, और कुछ और भी आ सकता है। तो इसमें क्या आंसर आएगा, ये है एपिग्राफी। तो एपिक्स जो होते हैं जैसे रामायण महाभारत है, इनको एपिक्स बोले जाते हैं। तो एपिक्स मतलब जो पुराने जमाने का जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, जो हिस्टोरिकल है, तो उनको एपिक्स बोले जाते हैं। तो वो बुक्स वगैरह जो होती है, तो ये एपिग्राफी जो होगी उससे आप समझ सकते हैं कि ये लिखा हुआ कुछ है। तो लिखा हुआ जो हम अगर रॉक्स पे स्टोन पे ऐसे लिखा हुआ होता है उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं, कि इंस्क्राइब किया गया है। तो जो भी लिखी हुई चीज होती है उनकी स्टडी करने को एपिग्राफी कहते हैं। तो एपिक्स से आप इंस्क्रिप्शंस याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स इज स्टडी ऑफ कॉइंस, तो कॉइंस नंबर होते, पैसा कितना पैसा काउंट करते नंबर होते, तो नंबर से आप याद रख सकते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ कॉइंस। जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लीनियज। लीनियज का मतलब होता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, जैसे आपके पैर माँ बाप, उनके माँ बाप, जो आपकी पूरी फैमिली ट्री जो है लीनियज, कि आप कौन सी लाइन से आ रहे, आपकी एज इतने सालों में आपकी लाइन कौन सी है, कौन से कहाँ से आप किसके डिसेंडेंट्स है, किनके पूर्वज आपके कौन है, तो वो स्टडी जो करते हैं उसको जीनियोलॉजी कहते हैं। तो जैसे हमने साइंस में भी स्टडी किया, साइंस टू में, जैसे जीन्स होते, तो जीन्स हमको हेरिडिटी मिलते हैं, विरासत में मिलते हैं, तो जीन्स जो है, तो जीन से आप याद रख सकते कि लीनियज के बारे में, कि आपकी फैमिली ट्री कैसी है, तो स्टडी ऑफ लीनियज। तो ये हिस्ट्री स्टडी करने के लिए जो है किंग्स वगैरह की और उस टाइम के लोगों की जीनियोलॉजी समझने की कोशिश की जाती है, तो ये सब हिस्ट्री स्टडी के पार्ट है। पुराने जमाने के कॉइन से उन टाइम का काफी सारा कुछ पता चल सकता है, उस टाइम पे जो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं पत्थरों पे या कहीं पे भी, तो उनसे भी स्टडी करके हिस्ट्री समझा जा सकता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स एंड जीनियोलॉजी।
फिर आगे मेन जो चैप्टर का नाम है हिस्टोरियोग्राफी, उसको समझाया गया कि द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी, मतलब हिस्ट्री लिखना, जैसे हमने कहा राइटिंग, ग्राफी मतलब लिखना, कैलीग्राफी करते जो अच्छी हैंडराइटिंग में लिखते उसको कैलीग्राफी कहते हैं। तो ये जो है तो राइटिंग है क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव, नरेटिव मतलब स्टोरी, जैसे प्लेज में नरेटर होते तो नरेटिव, तो हिस्टोरिकल स्टोरी हिस्टोरिकल नरेटिव को क्रिटिकल लिखना, क्रिटिकल का यहाँ पे मतलब होता है क्रिटिकली लिखना, क्रिटिकली लिखना मतलब जांच पड़ताल करके सही से लिखना, जैसे मूवी क्रिटिक्स होते हैं, फूड क्रिटिक्स होते हैं, तो वो सही से जांच पड़ताल करके सही बात बताते कि मूवी अच्छी है कि नहीं है, खाना अच्छा है कि नहीं है ये होटल का वगैरह, तो क्रिटिक्स होते हैं। तो क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव मतलब हमको क्रिटिकली हिस्टोरिकल नरेटिव जब लिखा जाता है तो उसको जांच पड़ताल करके सही सच जान के फिर लिखा जाता है, इसीलिए राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। ये भी फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है, और स्कॉलर जो ये लिखता है राइट सच अ नरेटिव उनको हिस्टोरियन बोलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया गया है सुमेर सिविलाइजेशन, ये इंस्क्रिप्शन की जो हम बात कर रहे हैं लिखी हुई पत्थरों पे या लिखा हुआ कुछ है, तो ये लोअर म्यूजियम जो है फ्रांस में वहां पे रखा गया है ये इंस्क्रिप्शन, अर्लिएस्ट इंस्क्रिप्शन जो यहाँ पे म्यूजियम में पाए जाते हैं। तो ये सुमेर सिविलाइजेशन का है, सुमेर सिविलाइजेशन था मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया मतलब प्रेजेंट डे का मेजर इराक कंट्री जो है, इराक एशिया में, वहां पे ये आते हैं। तो यहाँ पे ये सुमेर सिविलाइजेशन का इंस्क्रिप्शन यहाँ दिखाया गया है, 4500 BC का इंस्क्रिप्शन बिफोर क्राइस्ट। फिर आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कैसी होनी चाहिए, और ये आपके टेक्स्ट बुक के पीछे का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6-2, तो बड़े सवाल जो होते हैं उसका सेकेंड पार्ट है, हम क्वेश्चन भी पीछे देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं। ये सारे सवाल आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर एकदम इजी हो जाएंगे, आप इजीली आंसर लिख पाओगे। ये क्वेश्चन 6-2 का आंसर है, व्हाट आर द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, उसका आंसर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जाते हैं वहां पे, ये फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। सो सबसे पहला है, इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चंस, मतलब जब मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी आपको करना है, आपको हिस्ट्री लिखना है, तो मेथड क्या होना चाहिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए, आप साइंस यूज करके उसको लिखे, जैसे साइंस में सवाल पूछे जाते हैं, ऑब्जर्वेशन किया जाते हैं, वैसे तो रेलेवेंट क्वेश्चन पहले बनाने हमको कि क्या सवाल है, क्या हम जानना चाहते हैं, उसके बेसिस पे हम अपनी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी शुरू करेंगे हिस्ट्री लिखने के लिए। फिर सेकेंड पॉइंट है, दीज क्वेश्चन आर एंथ्रोपोसेंट्रिक, अब एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है, एंथ्रोपोलॉजी एक भी सब्जेक्ट होता है ये, तो एंथ्रोपो मतलब ह्यूमन रिलेटेड, पीपल रिलेटेड, तो ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, मैन, तो मैन रिलेटेड होना चाहिए। इट मींस दैट दीज क्वेश्चंस आर अबाउट द डीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, मतलब वो टाइम के उन लोगों के बारे में होना चाहिए, उन सोसाइटीज के बारे में होना चाहिए। पहले जमाने में हिस्ट्री शुरू होने से पहले हर चीज जो हिस्ट्री पढ़ी जाती थी पास्ट की, वो रिलीजियस तरीके से पढ़ी जाती थी, मतलब के नो डिवाइन गॉड के हिसाब से, कि गॉड अच्छा काम किया तो अच्छे अच्छी चीजें हो रही है, बुरा काम किया तो फ्लड्स आ रहे हैं, डिजास्टर्स हो रहे हैं, तो ये जो है रिलेशन वो ऐसे पढ़े जाते थे। तो ये हिस्टोरिकल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूज करके एंथ्रोपोसेंट्रिक रखना है, मतलब के रीजन होना चाहिए, अगर फ्लड आया तो पानी भर गया है, या जो भी साइंटिफिक उसका रीजन होना चाहिए, तो वो सेकेंड पॉइंट है कि एंथ्रोपोसेंट्रिक हो। हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स, तो ह्यूमन डीड्स के हिसाब से ही स्टडी की जानी चाहिए, क्वेश्चंस उन बारे में होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है, चार पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस, तो आप जो भी क्वेश्चंस है उनके आंसर्स आप जो ढूंढ रहे हो, आपको मिल रहे हैं, आप जो लिखोगे वो रिलायबल होना चाहिए, रिलायबल एविडेंस होना चाहिए, कि पुराने जमाने में जैसे फ्लड आया तो क्या एविडेंस होना चाहिए, कि कोई सवाल था कि ये डिजास्टर हुआ वहां पे, सिविलाइजेशन खत्म हो गया, तो क्यों, अगर समझो एग्जांपल फ्लड आया इसका रिलायबल एविडेंस होना चाहिए, तो क्वेश्चंस जो आपने फ्रेम किए उसके आंसर्स आप ढूंढ रहे तो एविडेंस होना चाहिए, उस जमाने की कोई भी चीज कहीं लिखा हुआ है, कोई एविडेंस मिला एक्सकेवेशन में, जब हम खोदते एक्सकेवेट करते जगह को, तो वो रिलायबल एविडेंस होना चाहिए। और चौथा है, हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स, तो जो पूरी हिस्ट्री लिखी जाएगी वो ह्यूमन की, लोगों की, मैन की जर्नी होगी,
कि कैसे इंसान स्टोन एज से निकल के आगे 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 डेवलपमेंट हुआ और हम इस स्टेज तक आए हैं, तो वो ग्राफ होना चाहिए, पूरा स्टडी हिस्ट्री की ऐसे होनी चाहिए, हिस्ट्री ऑफ मैन। तो ये चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो ये आपका 6-2 आंसर है यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में लिखा है, हिस्ट्री जो टर्म है ये एक्चुअली ग्रीक टर्म है, ग्रीक हिस्टोरियन थे हेरोडोटस, तो उन्होंने ये टर्म पहले यूज किया, उनकी बुक थी 5th century BC में द हिस्ट्रीज। तो हिस्ट्री के मेन फाउंडर जो है हेरोडोटस है। फिर आगे है रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। तो यूरोप में इससे पहले तक साइंटिफिक स्टडी नहीं होती थी, तो 18th सेंचुरी तक यूरोप ने काफी सारा एडवांसमेंट किया, एनलाइटनमेंट नो रिनेसा आया वहां पे, तो ये सब हुआ साइंस में, फिलोसफी में। फिर बाद में स्कॉलर्स मानने लगे कि ऐसा हम साइंटिफिक स्टडी हिस्ट्री में भी कर सकते, साइंटिफिक मेथड्स यूज कर सकते सोशल हिस्टोरिकल ट्रुथ समझने के लिए। तो 18th सेंचुरी से पहले सिर्फ फिलोसॉफिकल स्टडीज होती थी, डिवाइन मतलब यू नो गॉड के रिलेटेड स्टडीज होती थी, लेकिन उसके बाद 18th सेंचुरी के बाद यूरोपियन कंट्रीज में यहाँ पे हिस्टोरिकल स्टडी होने लगी इन साइंटिफिक मैनर। और पहली बार एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री आया गॉटिंगन यूनिवर्सिटी में जर्मनी में इन 1737। फर्स्ट टाइम हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। फिर अभी आएंगे इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स, नोटेबल स्कॉलर्स। ये आपका कंसेप्ट चार्ट भी है, तो यहाँ पे स्कॉलर्स जिनके नाम दिए गए आप देख सकते हैं। एक है रेने डेस्कार्टेस, फिर है सेकंड वोल्टेयर, थर्ड है जॉर्ज विलहेम फ्रेडरिक हेगेल, फिर है लियोपोल्ड वॉन रैंक, चार हो गए, पांचवे है कार्ल मार्क्स और छठे है मिशेल फोकॉल्ट। तो ये 6 स्कॉलर्स है जिनकी स्टडी हम करेंगे। ये चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है आपका कंसेप्ट चार्ट नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप, आपको 6 में से 4 नाम लिखने। तो ये कंसेप्ट चार्ट भी आप इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक भी है, ये भी हमको इजीली आ जाएगा। इट मे बी सेड दैट डैश वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, तो हम अभी पढ़ने वाले इसका आंसर वोल्टेयर है। बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज मिशेल फोकॉल्ट ने लिखा है, ये भी हम लास्ट में देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिशेल फोकॉल्ट जो लास्ट 6 स्कॉलर है उनकी बुक है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो टेक्स्ट बुक के 2 फिल इन द ब्लैंक चैप्टर 1 के आपको इजीली याद रह सकते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। फिर यहाँ शॉर्ट नोट है डायलेक्टिक्स एनएल स्कूल, ये आएगा आगे। जो हमारे स्कॉलर्स रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन 4-2 है, जो फर्स्ट स्कॉलर हम पढ़ने वाले रेने डेस्कार्टेस। तो क्वेश्चन है व्हाट डिड रेने डेस्कार्टेस इंसिस्ट अपॉन, कि उन्होंने क्या इंसिस्ट किया, क्या बोला कि होना चाहिए। तो ये हिस्टोरिकल स्कॉलर है, तो हम देखेंगे इसका आंसर रेने डेस्कार्टेस के बारे में। और एक भी सवाल है, वो है लियोपोल्ड वॉन रैंक के बारे में, एक्सप्लेन लियोपोल्ड वॉन रैंक्स पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। तो ये 2 सवाल हम अभी देखने वाले, 6-2 हम ऑलरेडी देख चुके। तो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्कॉलर है रेने डेस्कार्टेस। तो रेने डेस्कार्टेस क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 4-2। तो ये क्वेश्चन नंबर 4-2 था कि व्हाट डिड रेने डेस्कार्टेस इंसिस्ट अपॉन। तो इसका आंसर आएगा कि रेने डेस्कार्टेस इंसिस्टेड अपॉन वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। उससे पहले आप ये सेंटेंस लिख सकते हैं कि ही वाज द फोर अमंग द फोरमोस्ट स्कॉलर्स। तो रेने डेस्कार्टेस आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इतना ये पार्ट ना लिखे तो भी चलेगा। रेने डेस्कार्टेस इंसिस्टेड ऑन वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। तो एक सेंटेंस ये हो गया, मतलब उन्होंने क्या बोला, क्या इंसिस्ट किया। इंसिस्ट करना मतलब जिद करना कि ये होना ही चाहिए। तो हिस्ट्री जब हम लिख रहे हैं तो हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे लिख रहे हैं। पुराने जमाने का हमारा हमको कुछ डॉक्यूमेंट मिला, उसके बेसिस पे हम लिख रहे हैं कि ये टाइम पे ऐसे था। जैसे मराठास की हिस्ट्री लिख रहे तो पेशवा दफ्तर होते थे, पेशवा के टेक्स्ट, तो उसके बेसिस पे हम लिख रहे हैं। तो वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हमको अगर जो मिले हैं वो वेरीफाई करने हैं कि रिलायबल है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं, फेक तो नहीं है, तो उनको सही से रिलायबल है कि नहीं वो ढूंढना है। उसके लिए क्रिटिकली उनको क्रिटिक्स की तरह उसको एग्जामिन करना है। इसके ऊपर रेने डेस्कार्टेस ने इंसिस्ट किया। रेने डेस्कार्टेस इंसिस्टेड ऑन वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। ये आपका आंसर है। तो ये उन्होंने इंसिस्ट किया, क्योंकि हम अब देख रहे हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी साइंटिफिक स्टडी, तो साइंटिफिक स्टडी में ये है कि वेरीफाई करो ऑथेंटिक है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं, क्रिटिकली एग्जामिन करो।
और इन्होंने बुक लिखी है डिस्कोर्स ऑन द मेथड, तो आपको चाहिए आपका आंसर बड़ा करने के लिए आप एक और ये सेंटेंस लिख सकते हैं कि ही रोट द बुक डिस्कोर्स ऑन द मेथड। और स्कॉलर और उनकी बुक का नाम साथ में याद रखना जरूरी है क्योंकि आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर में आ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए रेने डेस्कार्टेस डिस्कोर्स ऑन द मेथड। उनके नाम में आप देख सकते हैं DESC आता है, तो ये DISC से बुक का नाम शुरू होता है डिस्कोर्स ऑन द मेथड। सो रेने डेस्कार्टेस डिस्कोर्स ऑन द मेथड। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी दिया है, वो लिखा है उनके बारे में, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। मतलब जो भी आपको कहा जा रहा है जो उसको एक्सेप्ट नहीं करना कि ये सच है। कब तक नहीं एक्सेप्ट करना? जब तक आपके दिमाग में कोई डाउट की कोई गुंजाइश नहीं, सब डाउट एक्सक्लूड कर देना मतलब हटा देना, निकाल दिया जब तक नहीं आपने, तब तक एक्सेप्ट नहीं करो। नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया, तो वो भी आप लिख सकते हो। तो तीन स्टेटमेंट्स है, इतने में आपका आंसर अच्छे से पूरा हो सकता है। फिर अगला है वॉल्टेयर, सेकेंड स्कॉलर। वॉल्टेयर उनका रियल नेम था फ्रैंकोइस मैरी ऑरेट। तो इनका आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4-3 का आंसर है, वो भी हम सवाल देख लेते हैं। तो अभी हमने 4-2 का आंसर देखा, ये रहा व्हाट डिड रेने डेस्कार्टेस इंसिस्ट अपॉन। अब 4-3 सवाल है, व्हाई इज वॉल्टेयर सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। ये एक्चुअली आपका फिल इन द ब्लैंक भी था, इट मे बी सेड दैट डैश वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी वॉल्टेयर। और यहाँ पे सवाल है व्हाई, और ये गिव रीजन में भी आ सकता है, व्हाई तो गिव रीजन, वॉल्टेयर सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो इसका आंसर भी हम देखेंगे। इसके अलावा हमने क्वेश्चन नंबर 6-2 कर लिया, व्हाट आर द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स। और एक सवाल है यहाँ पे 4-1, व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी, ये भी हमने डिस्कस किया, ये भी इजी आंसर है, हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे था व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी 4-1, तो दो सेंटेंसेस है, राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी, अ स्कॉलर हु राइट सच अ नैरेटिव इज अ हिस्टोरियन। तो ये आप दो सेंटेंस लिख सकते हैं इस आंसर में। फिर नीचे हमने ये 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ा आंसर भी देखा, रेने डेस्कार्टेस का आंसर देखा, व्हाट डिड रेने डेस्कार्टेस इंसिस्ट अपॉन। अब यहाँ है वॉल्टेयर, तो वॉल्टेयर के ऊपर सवाल था, व्हाई इज ही कॉल्ड फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो लास्ट सेंटेंस है, देखो वॉल्टेयर वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो आंसर फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4-3 है ये, तो इसका आंसर हम देखेंगे वॉल्टेयर। हमको उनका ओरिजिनल नेम वगैरह फ्रेंच थे वो लिखने की जरूरत नहीं है। वॉल्टेयर ओपाइंड मतलब उनकी ओपिनियन थी that along with objective truth and chronology of historical events, considering social tradition, trade, economy, agriculture, etc. was also equally important in historiography. इसका मतलब क्या हुआ कि उनका ओपिनियन था कि हम हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव ट्रूथ देख रहे हैं, जैसे रेने डेस्कार्टेस इंसिस्ट कर रहे हैं कि ट्रूथ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिवली हम सच क्या है बराबर देखे, क्रोनोलॉजी रखना ये हमेशा हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रहा है कि क्या हुआ, कौन से किंग आए, क्या हुआ, ये बैटल हुई उसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये लोग आए, तो क्रोनोलॉजी मतलब ऑर्डर, तो क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स और ये तो जरूरी है ही, पर इसके साथ अलोंग विद दिस और भी चीजें जरूरी है, उसको वॉल्टेयर ने कहा कि ये जरूरी है। वो क्या था इवेंट्स, क्रोनोलॉजी हिस्टोरिकल इवेंट्स, कंसिडरिंग सोशल ट्रेडिशंस कि सोसाइटी के टाइम पे ट्रेडिशंस कैसे थे, ट्रेड कैसे होता था, इकोनॉमी कैसी थी, एग्रीकल्चर कैसा था, तो ये तीन ऑक्यूपेशंस है, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, तो ये सारे के बारे में, और वो सोसाइटी के बारे में, सोशल ट्रेडिशंस के बारे में ये समझना, इसके बारे में भी लिखना इक्वली इम्पॉर्टेंट है हिस्टोरियोग्राफी में। मतलब ह्यूमन लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ो, खाली पॉलिटिक्स के बारे में कि कौन किंग थे, क्या हुआ, वही बैटल्स क्या हुए, वही नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री में बाकी सब कुछ भी देखना है। तो ये उन्होंने एम्फेसाइज किया, इसके ये ऐसी उनकी ओपिनियन थी, इसलिए उनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं इसका आंसर, वॉल्टेयर ओपाइंड दैट अलोंग विद ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, कंसिडरिंग सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा वाज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ही सेड इट गेव राइज टू थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इंपॉर्टेंट, देयरफॉर वॉल्टेयर इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। फिर थर्ड स्कॉलर आते हैं, तो वॉल्टेयर की बुक के नाम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको वॉल्टेयर का ये याद रखना है, ये फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है। थर्ड स्कॉलर है जॉर्ज विल्हेम फ्रीडरिक हेगेल, तो ये जर्मन स्कॉलर थे, वॉल्टेयर फ्रेंच थे। तो इन्होंने क्या कहा, ये इंसिस्टेड दैट हिस्टोरिकल रियालिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल मैनर। हिस्ट्री हम लिख रहे हैं तो उसको लॉजिकल तरीके से लिखे, लॉजिक के तरीके लिखे। टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स वॉज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस, ये उनका मानना था। हिस्टोरिकल इवेंट्स की जो टाइमलाइन होती है कि ये हुआ, लॉजिक होनी चाहिए कि
सिर्फ एक के बाद एक वो होते गया, कुछ नहीं, कैसे कनेक्ट होते सब वो समझना जरूरी है। तो जॉर्ज फ्रीडरिक विलहम विलहम फ्रीडरिक हेगेल के ऊपर भी सवाल है पीछे, वो हम देखते हैं। तो ये बड़ा आंसर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर मैन का नाम दिया है जॉर्ज विलहम फ्रीडरिक हेगेल, और बुक का नाम दिया करेक्ट पेयर है कि नहीं पता करना है रीजन इन हिस्ट्री। तो रीजन इन हिस्ट्री इनकी बुक है कि नहीं हमको अभी ऊपर देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये रहा, जॉर्ज विलहम फ्रीडरिक हेगेल जर्मन थे, और यहाँ पे उनकी बुक का नाम दिया हुआ है, देखो दो बुक्स है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस, रीजन इन हिस्ट्री। तो रीजन इन हिस्ट्री इनकी बुक है, जो टेक्स्ट बुक के पीछे का आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर है, चार पेयर्स दिए होते उनमें से एक गलत होता है, तो ये वाला सही है, ये हमको भी पता चल गया। रीजन इन हिस्ट्री इज बाय जॉर्ज विलहम फ्रीडरिक हेगेल, और इनकी और एक बुक का नाम भी है, अगर वो भी आइडेंटिफाई द पेयर में है तो आप रीजन इन हिस्ट्री ना दिखे तो आप गलत मत लिखो, अगर ये वाली बुक का नाम है तो वो भी सही है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस, तो आपको ये याद रखना होगा। और जॉर्ज विलहम फ्रीडरिक हेगेल ने जो इम्पोर्टेंट थ्योरी दी है, उनके जो है मेथड ऑफ एनालिसिस दिया उन्होंने, वो है डायलेक्टिक्स। तो डायलेक्टिक्स के ऊपर पीछे शॉर्ट नोट है, क्वेश्चन नंबर 21, राइट शॉर्ट नोट ऑन डायलेक्टिक्स। तो ये पूरा यहाँ पे आंसर आएगा, और वो शुरू होगा इनके नाम से, अकॉर्डिंग टू हेजेल, जॉर्ज फ्रीडरिक विलहम हेजेल। तो हम अकॉर्डिंग टू हेजेल, उनका क्या मानना था, ह्यूमन माइंड के नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑपोजिट्स। मतलब अगर हमको कोई इवेंट समझना है कि कुछ हुआ तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ कैसा हुआ, उसको समझने के लिए हमको ऑपोजिट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे ट्रू है कि फॉल्स है, गुड है कि बैड है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ट्रू नेचर ऑफ अ थिंग वन नीड्स टू नो बोथ ट्रू एंड फॉल्स, सिमिलरली गुड एंड बैड, सब समझना, उसका हर एस्पेक्ट समझना जरूरी है, तो उसको कहते हैं डायलेक्टिक्स। ये मेथड ऑफ एनालिसिस है बेस्ड ऑन अपोजिट्स, तो दिस मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज बेस्ड ऑन अपोजिट्स इज नोन एज डायलेक्टिक्स। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आंसर बड़ा इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट नोट है। तो ये डायलेक्टिक्स में क्या होता है, ये मेथड ऑफ एनालिसिस में सबसे पहले एक थ्योरी रखी जाती है, जैसे कोई भी इंसिडेंट हुआ तो ये इंसिडेंट अभी सही है कि नहीं, तो एक थ्योरी शुरू की जाती है। तो ये थ्योरी इज प्रपोज इन द बिगिनिंग, इसको थीसिस बोलते हैं, कि ये थीसिस है, ठीक है। उसके बाद और एक थ्योरी प्रपोज की जाती है जो उसकी उल्टी होगी, उसका अपोजिट होगा। जैसे हम अगर हिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं, समझो के रिगार्डिंग पर्टिकुलर ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे अपना ट्रेड स्टार्ट किया और अपनी कॉलोनीज यहाँ पे बनाई, तो इंडिया को उन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली, तो ये थ्योरी एक प्रपोज किया हमने कि ये उन्होंने अपने फायदे के लिए की, मतलब ये दिस वॉज बैड फॉर इंडिया गुड फॉर देम। तो हम एक थीसिस रख रहे हैं कि ये जो ब्रिटिशर्स ने किया वो थीसिस ये है कि ये हमारे लिए बुरा था, और एक थ्योरी प्रपोज करेंगे जो इसकी उल्टी होगी, कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो जो उन्होंने यहाँ पे काम किया, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई, ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवेज वगैरह बनाया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आए यहाँ पे, तो वो अच्छा हुआ हमारे लिए। तो ये हम एक एंटी थीसिस ला रहे हैं जो थीसिस की उल्टी है, कि ब्रिटिश रूल हमारे लिए बुरा था, दूसरी एंटी थीसिस है ब्रिटिश रूल हमारे लिए अच्छा था। तो थीसिस और एंटी थीसिस लाए जाती है, तो ये दोनों के बारे में स्टडी किया जाता है और उन दोनों के ऊपर लॉजिकल डिस्कशन होता है कि ये सही है कि ये सही है। तो आफ्टर अ थरा लॉजिकल डिस्कशन ऑफ बोथ अ न्यू थीसिस इज प्रपोज्ड व्हिच इंक्लूड्स द जिस्ट ऑफ बोथ, मतलब दोनों का जो मेन पॉइंट्स है दोनों का, वो अब नई थ्योरी आती है उसके अंदर इंक्लूड की जाती है, और ये नई थीसिस को बोलते हैं सिंथेसिस। तो पहले थीसिस, फिर एंटीथीसिस, एंटीथीसिस और फिर सिंथेसिस, मतलब अच्छा भी था बुरा भी था, हम दोनों चीज लेंगे और वो नई थीसिस लेंगे, वो सिंथेसिस होगी। तो ये जो मेथड ऑफ एनालिसिस है, दिस मेथड ऑफ एनालिसिस बेस्ड ऑन अपोजिट्स इज नोन एज डायलेक्टिक्स। तो ये डायलेक्टिक्स मेथड इन्होंने हेजेल ने हमको दिया है। तो राइट शॉर्ट नोट ऑन डायलेक्टिक्स में हमको ये आंसर लिखना होगा, ये इंपॉर्टेंट आंसर है। और अगला स्कॉलर है लियोपोल्ड वॉन रैंक, इनका भी सवाल है पीछे 64, तो ये वाला सवाल भी 64 भी हम देख लेते हैं पीछे। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे, तो 64 है, एक्सप्लेन लियोपोल्ड वॉन रैंक्स पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री, जो हम भी देखेंगे, और ये डायलेक्टिक्स का हमने अभी किया, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। तो लियोपोल्ड वॉन रैंक्स कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री, तो ये क्या है हम देखते हैं, ये है। तो लियोपोल्ड वॉन रैंक जो है ये 19th सेंचुरी के स्कॉलर थे बर्लिन यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने क्या कहा है, ही स्पोक अबाउट क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च,
मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च करना है तो क्रिटिकल मेथड यूज करना है. जैसे हमने डेस्कार्टिस रेन डेस्कार्टिस में भी देखा, क्रिटिकल मेथड होना चाहिए. क्रिटिकली हमको क्रिटिसाइज करके सच सामने लाना है. उन्होंने लियोपोल्ड वॉन रैंके ने क्या एम्फसाइज किया कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप इन्फॉर्मेशन गैदर करो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ. अगर आपको हिस्ट्री लिखनी है, जैसे ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री लिखनी है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमको गैदर करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहिए ओरिजिनल से, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से. और उन्होंने ये भी कहा कि अगर डॉक्यूमेंट्स है, ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी है हिस्टोरिकल, उनको एग्जामिन सही से एग्जामिन करना होगा, एग्जामिन विद ग्रेटेस्ट केयर. तो ये उन्होंने कहा दो चीजें, पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करो, फिर उनको एग्जामिन करो विद ग्रेटेस्ट केयर, और फिर वो बोले ये करोगे आप तो इन दिस मेथड इट वॉज पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रूथ. तो आपको सच हिस्ट्री पता चल जाएगा. और उन्होंने क्रिटिसाइज किया, सच ऐसे पता करना है. हम इमेजिनेटिव हिस्ट्री नरेटिव नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ होगा, ऐसे इमेजिनरी हमको नहीं करना है. तो ही क्रिटिसाइज, उसका उसकी वो निंदा करते थे, क्रिटिसाइज इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री. उन्होंने भी दो बुक्स लिखी है, उसके नाम दिए हुए आप देख सकते हैं, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. तो ये दो लियोपोल्ड वॉन रैंके की बुक्स है. ये भी आपके आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर में है, तो ये दो बुक्स के नाम याद रखो इनके नाम के साथ. और ये आप देखेंगे नीचे जो उनकी दो बुक्स है, उनमें से एक का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री. तो ये भी करेक्ट पैर है. हेरोडोटस हिस्ट्रीज भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो तीनों करेक्ट पैर है. तो हमको पता चल गया आइडेंटिफाई द रॉन्ग पैर का आंसर भी. कार्ल मार्क्स डिस्कोर्स ऑन द मेथड नहीं, हमने ये देखा, डिस्कोर्स ऑन द मेथड इज बाय रेने डेस्कार्टिस, तो ये रॉन्ग पैर है. उसको करेक्ट करके रीराइट भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये पैटर्न में चेंज हो गया, अभी रीराइट करने के लिए सवाल नहीं पूछता, सिर्फ आपको रॉन्ग पेयर सिलेक्ट करके उसको कॉपी करके लिखना है. मतलब इसका आंसर आएगा 4 कार्ल मार्क्स डिस्कोर्स ऑन द मेथड, ये रॉन्ग पेयर है, तो आपको ये लिखना होगा. कार्ल मार्क्स की बुक है दास कैपिटल, वो भी हमको आगे आएगी, द कार्ल मार्क्स स्कॉलर जब हम करेंगे, ये सवाल भी उनका, एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी, तो ये हम देखेंगे. तो अभी हमने देखा लियोपोल्ड वॉन रैंक, और उनके बाद आते हैं कार्ल मार्क्स. तो कार्ल मार्क्स का आंसर भी यहाँ पे ही है, तो ये पूरा आंसर है. कार्ल मार्क्स बहुत प्रोमिनेंट स्कॉलर है, उनकी जो बुक है जैसे हमने कहा दास कैपिटल, इट इज द मोस्ट रेफर्ड बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ये काफी बुक्स ट्रांसलेट काफी लैंग्वेजेस में हुई है, बहुत प्रोमिनेंट बुक है ये दास कैपिटल बाय कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या थी? अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल. तो हिस्ट्री हमको जब लिखना है तो हम कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में नहीं लिखेंगे, उन टाइम के लोगों के बारे में लिखेंगे. तो ह्यूमंस लिविंग पीपल वहां पे वो टाइम पे कैसे थे उसके ऊपर लिखेंगे. तो उसके लिए उन्होंने कहा कि इसके हिस्ट्री समझने के लिए हमको मींस ऑफ प्रोडक्शन के बारे में समझना जरूरी है. मींस ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? प्रोडक्शन, हमको जब इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कर रहे कोई भी चीज हम, तो उसके लिए मींस चाहिए. मींस का मतलब होता है जरूरत के सामान. तो मींस ऑफ प्रोडक्शन माना जाता है कि हमको लैंड चाहिए, जमीन चाहिए, लोग चाहिए काम करने वाले, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए मतलब पैसा चाहिए, मार्केट चाहिए जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स बेच सके. तो मींस ऑफ प्रोडक्शन ये सब है. तो जो हमारे मींस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसके ऊपर हिस्ट्री उन्होंने वो कहा कि ये मींस ऑफ प्रोडक्शन है, इसकी ओनरशिप किसके पास है, जमीन किसके पास है, लोगों को कौन काम पे रख सकता है ना, कैपिटल पैसा किसके पास है. तो ये ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है, ओनरशिप और इसका नेचर. तो वो टाइम पे जो हिस्ट्री में वो टाइम पे जो मींस ऑफ प्रोडक्शन थे उसकी ओनरशिप किसके पास थी, उसका नेचर कैसे था, कि मतलब गवर्नमेंट सब कंट्रोल करती थी कि लोगों के पास होता था, कैसे होता था, तो वो टाइम का उसको समझना जरूरी है. तो कार्ल मार्क्स ने कहा हिस्ट्री इज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इट इज अबाउट लिविंग पीपल, और जो लिविंग पीपल है ह्यूमंस है, उनकी रिलेशनशिप इज शेप्ड बाय दिस ओनरशिप एज वेल एज नेचर ऑफ प्रिवेलेंट मींस ऑफ प्रोडक्शन. ह्यूमन नीड्स है, फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल है, लोगों की जो जरूरत है, खाना रोटी कपड़ा मकान जैसे हम कहते हैं, तो वो किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, जिसके पास पैसा है मेनली. तो एक्सेसिबिलिटी मतलब वो हम वो लोगों के पहुंच के अंदर है कि नहीं. तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ दीज मीन्स टू डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में हाई क्लास लो क्लास होते, तो सबको ये एक्सेसिबिलिटी इक्वल नहीं है. किसी के पास जमीन है, किसी के पास जमीन नहीं है, किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास कम पैसा है. तो ये एक्सेसिबिलिटी जो है मींस ऑफ प्रोडक्शन की, ये सोसाइटी में इक्वल नहीं होती है. तो ये अनइक्वल है, इनइक्वालिटी है. तो इनइक्वालिटी की वजह से सोसाइटी में डिविजन होती है और क्लासेस बनती है. और ये क्लासेस बनती है हाई क्लास लो क्लास मिडिल क्लास वर्किंग क्लास बिजनेस क्लास.
तो ये जो क्लास बनती है इसके बाद शुरू होता है क्लास स्ट्रगल। जैसे वो टाइम पे जो है फैक्ट्रीज होते थे, इंडस्ट्रीज होते थे, तो जो मालिक होते थे और जो वर्किंग क्लास लेबर क्लास होते थे, वो हमेशा उनके झगड़ा थे कि हमारा पगार पगार बढ़ाओ, और वो कहते थे नहीं काम ज्यादा करो। तो ये क्लास स्ट्रगल है, तो ये क्लास स्ट्रगल ही हिस्ट्री है। वो कार्ल मार्क्स का मानना था कि ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, बिकॉज ही सेड क्लास दैट ओन्स द मींस ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट्स द रेस्ट ऑफ द क्लासेस। जिसके पास मींस ऑफ प्रोडक्शन है, जमीन है, पैसा है, मार्केट है, वो इकोनॉमिकली मतलब पैसे के थ्रू, मतलब ज्यादा पैसा वो बना सके, इसके लिए वो बाकी क्लासेस को एक्सप्लॉइट करते हो, उनका उनको ज्यादा काम करवाते हो उनसे, ऐसे। तो ये कहा गया क्लास स्ट्रगल, तो ये हिस्ट्री है। और ये उन्होंने अपनी बुक में लिखी है, जो उनकी बुक है दास कैपिटल। तो ये हुए कार्ल मार्क्स का आंसर। फिर आता है एनएल स्कूल। तो एनएल स्कूल एक्चुअली ये स्कॉलर के बारे में नहीं है, एक स्कूल ऑफ थॉट है। ये फ्रांस में थी 20th सेंचुरी बोले तो 1900 से शुरू होता है। अभी हम जो है 2020 तो ये 21st सेंचुरी। तो सेंचुरी एक साल आगे चलता है, क्योंकि 0 से 99 तक था वो फर्स्ट सेंचुरी था, तो एक नंबर आगे चलता है। 100 से शुरू हुआ 199 तक, वो सेकेंड सेंचुरी था, ऐसे। तो ये 21st सेंचुरी चल रहा है। और जब 20th सेंचुरी शुरू हुई, मतलब 1900 शुरू हुआ जब, तो एक नई स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, नई थॉट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी शुरू हुई फ्रांस में। इसको कहा जाता है एनएल स्कूल। ये एनएल स्कूल भी आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2-2। तो दो शॉर्ट नोट से, एक शॉर्ट नोट डायलेक्टिक्स पे, दूसरी शॉर्ट नोट एनएल स्कूल पे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये फ्रांस में शुरू हुआ, इसके एनएल स्कूल ने हिस्ट्री राइटिंग को एक नई दिशा दी, न्यू डायरेक्शन दिया। और उन्होंने क्या कहा कि हिस्ट्री इज नॉट अबाउट पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग्स, ग्रेट लीडर्स, उसके बारे में नहीं होता है पॉलिटिक्स, सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं होता हिस्ट्री, कि वॉर्स क्या हुए, पॉलिटिक्स क्या थी, कौन किंग आए गए, कौन लीडर्स आए गए, वो नहीं। उसके अलावा और भी कुछ लिखना है, और क्या होता है हिस्ट्री में, बट ऑल्सो अबाउट क्लाइमेट, को टाइम पे क्लाइमेट कैसे थे, लोकल पीपल कैसे थे, एग्रीकल्चर, ट्रेड कैसे था, टेक्नोलॉजी क्या थी वो टाइम पे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कैसे होता था, सोशल डिविजन्स कैसे थे वहाँ पे, कलेक्टिवली लोग क्या मानते थे, उनकी साइकोलॉजी कैसे थी, तो ये सब समझना भी जरूरी है। तो ये हिस्ट्री राइटिंग में उन्होंने अलग ही एक एंगल दिया कि ऐसे करना है। तो इनको एनएल स्कूल कहा जाता है, ये फ्रांस की। तो इट वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियंस। तो ये आपका शॉर्ट नोट है अबाउट एनएल स्कूल। फिर आता है और एक फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, मतलब वुमेन को भी इंक्लूड किया जाए हिस्ट्री में। तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मींस रीस्ट्रक्चरिंग द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन, कि वुमेन पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री लिखी जाए। और ये हिस्ट्री फेमिनिज्म के फंडामेंटल्स सबसे पहले रखने वाले जो स्कॉलर थे वो है सिमोन डी ब्यूवर। तो उन्होंने स्टार्ट किया एस्टैब्लिश द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। तो ये लेडी हिस्टोरियन है, उनका फ्रेंच हिस्टोरियन है। तो इसमें क्या एम्फेसाइज किया गया फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, कि सिर्फ वुमेन को हिस्ट्री में इंक्लूड ना किया जाए, बल्कि पूरी हिस्ट्री को फिर से समझा जाए, क्योंकि जो हम समझे हैं वो मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव है। तो वुमेन पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को समझा जाए, वुमेन कैसी थी हिस्टोरिकली, वुमेन की लाइफ कैसी थी, वो क्या काम करते थे, वो ट्रेड यूनियंस में इंक्लूड होते थे कि नहीं, वर्किंग इंस्टीट्यूशंस जो उनके लिए काम करते थे उनके बारे में लिखना, जैसे वुमेन एडुकेशन के लिए, वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी फैमिली लाइफ कैसी थी, वो सब हिस्ट्री लिखना, तो उसको फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। तो ये सिमोन डी ब्यूवर स्कॉलर का नाम आता है यहाँ पे। और जो लास्ट स्कॉलर है मिशेल फौकॉल्ट, तो ये फ्रेंच हिस्टोरियन है, 20th सेंचुरी के हिस्टोरियन है। तो इनकी बुक थी आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जो हमने ऑलरेडी देखी, फिल इन द ब्लैंक है इनका। और ये क्वेश्चन बड़ा आंसर भी है, क्वेश्चन नंबर 3-2। तो यहाँ पे हम देख लेते क्वेश्चन नंबर 3-2 क्या है। वो एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजन, फौकॉल्ट कॉल्ड हिज मेथड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो ये एनएल स्कूल का शॉर्ट नोट हमने देखा, और ये फंड फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर भी सवाल है। हिस्टोरिकल रिसर्च वॉज ड्रिवन टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ, एक्सप्लेन विथ रीजन, इसका रीजन देके एक्सप्लेन करो, और ये एक्सप्लेन विथ रीजन। और फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का बड़ा आंसर भी है, व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। और कार्ल मार्क्स, ये सारे हमने आंसर्स अभी देख लिए, खाली जो लास्ट का पार्ट है बचा है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज और फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, इसके आंसर्स हम देख लेंगे, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
एक्चुअली ये दो सवाल का आंसर सेम आएगा, 3:1 भी फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के बारे में, और ये भी व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। और ये भी कह रहे हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च वाज ड्रिवन टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ। फेमिनिज्म मतलब वुमेन रिलेटेड, औरतों के रिलेटेड, तो इसका रीजन देना है कि गिव रीजन। तो ये फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के पैसेज में इसका आंसर है। तो ये एक आंसर, हम दोनों का आंसर सिमिलर ही है, वो देख लेंगे। थर्ड का आप छोटा आंसर लिख सकते हैं गिव रीजन, ये थोड़ा बड़ा लिख सकते हैं, सिक्स्थ बड़ा ज्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। तो ये दो, और लास्ट सवाल फिर बचेगा जो हमारा, वो है ये आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज का। तो ये सवाल के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फॉकॉल्ड कॉल्ड इज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। हमने सारे आंसर्स डिस्कस कर दिए, तो ये लास्ट हमारा बचा है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का, इतना ही पैसेज है, इसमें से ही आपको आंसर लिखना है जो हमने अभी डिस्कस किया। और ये रहा मिशेल फॉकॉल्ट, ये भी फ्रेंच हिस्टोरियन थे, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज इनकी बुक का नाम भी है, जो हमने फिल इन द ब्लैंक में भी है, ये सेकंड फिल इन द ब्लैंक, दो फिल इन द ब्लैंक के टेक्स्ट बुक के, एक है वोल्टेयर फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी और आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज बुक रिटन बाय मिशेल फॉकॉल्ट। तो ये दो फिल इन द ब्लैंक है। तो हमारा हमारा क्वेश्चन भी है ये सिक्स्थ का, थर्ड 3:2 गिव रीजन का, उसका आंसर देख लेते। तो इन्होंने क्या कहा, तो मिशेल फॉकॉल्ट उन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि जो प्रिवेलिंग प्रैक्टिस है कि हिस्टोरिकल इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखो, कि पहले ये हुआ बाद में ये हुआ बाद में ये हुआ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते, तो वो कहते थे ये जो प्रैक्टिस है ये सही नहीं है। प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नॉट राइट। उन्होंने क्या किया, कहा कि आर्कियोलॉजी जो है डज नॉट स्ट्राइव टू रीच द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रुथ, कि हमको अल्टीमेट ट्रुथ क्या है वो नहीं जानना है, बट क्या है, कैसे चेंजेस कैसे आए, क्या अटेम्प्ट है हमारा हिस्ट्री स्टडी करने के लिए, आर्कियोलॉजी स्टडी करने के लिए, कि कैसे ट्रांजिशंस, ट्रांजिशन मतलब चेंजेस कैसे आए, एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजिशंस इन द पास्ट, कि कैसे चेंजेस आए वो समझना है हमको। तो हम कभी भी कोई चीज समझ रहे तो उसका मतलब ये हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि हम फाइनली एंड पे पहुंच जाए, पर हम उस प्रोसेस को समझे। एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशंस इन हिस्ट्री इज मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे आर्कियोलॉजी एक्चुअली क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो खोदते जमीन, खोद के पुराना जो है जमीन में जो धस गया है पुराना सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह जो थे वो कैसे पता चले, तो वो मोहनजोदारो वगैरह, हरप्पा मोहनजोदारो इन्होंने खोदा और वहां नीचे से हमको सब कुछ मिला है, तो उससे पता चलता है। तो जितना नीचे नीचे हम खोदते उतने पुराने पुराने सिविलाइजेशन पता चलते, तो लेयर्स होते हैं, ट्रांजिशन होता है कि बहुत पुराना सिविलाइजेशन नीचे था, उसके ऊपर जो है जो रिमेन्स मिलते हैं, ह्यूमन रिमेन्स, चीजों के रिमेन्स, तो वो टाइम के होते हैं। फिर जैसे जैसे हम ऊपर आते वैसे वैसे वो लेटेस्ट सिविलाइजेशन के होते। तो ये जो ट्रांजिशन है ये आर्कियोलॉजी में सही से समझते हैं, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट करते, तो वो नॉलेज में भी हमको या हिस्टोरिकल स्टडी में भी आर्कियोलॉजिकल मेथड लगाना है। तो वो उन्होंने एम्फसाइज किया कि आर्कियोलॉजी अल्टीमेटली जो ऊपर है उसको नहीं देखना चाहती, वो ट्रांजिशंस जो हुए पास्ट में, जो चेंजेस हुए धीरे धीरे, उसको समझना है। एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशंस इन हिस्ट्री इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो ही कॉल दिस मेथड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो उन्होंने कहा कि अभी तक जो नहीं समझा है लोग, हिस्टोरियंस ने जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, वो एरियाज को भी स्टडी करना जरूरी है। तो उन्होंने स्टडी किया फॉकॉल्ट ने उसके ऊपर, जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, साइंस ऑफ मेडिसिन, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, तो इसकी भी हिस्टोरिकल एनालिसिस उन्होंने की। तो यही है, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू।